स्वागत है आपका हिंदी मधुर गीत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। होली कब है? 2025 13 या 14 मार्च रंग वाली होली तिथि, होलिका दहन तिथि, जाने सही तिथि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। होली की पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। रंगों का यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं जिनमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज हम आपको साल 2025 में रंगों के पर्व होली की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, होलिका दहन पूजा विधि, होली पूजन के नियमों के बारे में बताएंगे। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 में होली 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च को रात 11:26 से रात 12:30 तक। अवधि होगी 1 घंटा 4 मिनट। भद्रापुंज 6:57 से 8:14 भद्रामुख 8:14 से 10:22 प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी मार्च 13 2025 को 10:35 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी मार्च 14 2025 को 12:23 बजे। होलिका दहन पूजा विधि। पौराणिक कथा अनुसार होली के त्यौहार में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होना चाहिए। होलिका दहन करने से पहले होली पूजन करें। होली पूजन के शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और फिर माला, रोली, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और 1 लोटा जल लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करें और इस दौरान कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ होता है। होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि जरूर होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने का विधान है जिसे सभी के साथ मिलजुल कर अबीर गुलाल के साथ खेलना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के नियम। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ होता है। होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि जरूर होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने का विधान है जिसे सभी के साथ मिलकर अबीर गुलाल के साथ खेलना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी प्रकार का शुभ और मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।